हेलो दोस्तों, द जुगनू स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिकटॉक स्टार के बारे में जो कि टिकटॉक के चलते टाइम पर काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन टिकटॉक की इंडिया में बैन होते ही ये लोग ना के बराबर दिखाई देने लगे। तो चलिए जानते हैं आज के तारीख में ये टिकटॉक सेलिब्रिटीज कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर फैजू के बारे में। तो टिकटॉक के बैन होने के बाद फैजल शेख यानी मिस्टर फैजू टीवी शो पर दिखने लगे। फैजू रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी के शो पर पहली बार टीवी पर दिखे और उस शो के रनर सब भी बने। उसके बाद फिर फैजू कलर्स टीवी की शो झलक दिखला पर भी दिखे थे। फैजू कई सारे एल्बम्स भी कर रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम पर आज के तारीख में 30.1 मिलियन फॉलोअर्स है। अब बात करते हैं जन्नत जुबेर की। तो जन्नत जुबेर टिकटॉक में एक जाना माना नाम है। टिकटॉक बैन के बाद जन्नत जुबेर भी फैजू के साथ खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में दिखी थी। उसके बाद उनको एक पंजाबी फिल्म में भी काम मिला था जिसमें वो लीड रोल करती नजर आई। फिर वापस खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में जन्नत जुबेर को दिखा गया और वहाँ जन्नत जुबेर फाइनलिस्ट बनी थी। जन्नत जुबेर ने कुछ एल्बम भी करे हैं और आज के डेट में जन्नत जुबेर के इंस्टाग्राम पर 47 मिलियन फॉलोअर्स है और वो इंस्टा पर एक पोस्ट करने की करीब 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करती है। अब बात करते हैं सागर गोस्वामी की। टिकटॉक पर एक ही वीडियो से रातों रात स्टार बने झारखंड के रहने वाले सागर गोस्वामी की पूरी लाइफ उस वीडियो के कारण चेंज हो गई थी। टिकटॉक पर उनकी पॉपुलरिटी जैसे ही बढ़ रही थी कि तभी टिकटॉक बैन हो गई और वो उतनी मुकाम हासिल नहीं कर पाए जितने दूसरे टिकटॉक स्टार ने हासिल की। आज के डेट में सागर गोस्वामी इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हैं और यूट्यूब पर म्यूजिक वीडियो और ज्यादातर ब्लॉग्स बनाते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 894K फॉलोअर्स है और वहीं यूट्यूब पर 46.3 सब्सक्राइबर भी हैं। अब बात करते हैं रियाज अली के बारे में। तो टिकटॉक बैन का भयंकर असर पड़ा इस टिकटॉक स्टार के ऊपर। जहां टिकटॉक बैन के बाद भी फैजू जन्नत जुबेर जैसे काफी क्रिएटर्स उनके अपने फील्ड पर काम कर रहे हैं, पर रियाज अली को ऐसी कोई शो या एल्बम में इतना दिखाई नहीं गया। रियाज को टोनी कक्कर के एक म्यूजिक वीडियो पर देखा गया था। आज के डेट में वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है और वहाँ रील्स अपलोड करते नजर आते हैं। रियाज अली के इंस्टाग्राम पर 27.9 मिलियन फॉलोअर्स है। अब बात करते हैं टिकटॉक पर अजीबो गरीब एक्सप्रेशन देखकर फेमस हुए टिकटॉकर रिच स्टार के बारे में। तो टिकटॉक के चलते शायद ही कोई होगा जो रिच स्टार को नहीं जानता हो। टिकटॉक पर काफी कामयाबी मिलने के बाद रिच स्टार एक जाना माना चेहरा बन चुका था, लेकिन जैसे ही टिकटॉक बैन हो गई तो रिच स्टार की भी नैया वहीं पर डूब गई थी। आपको बता दें कि रिच स्टार का रियल नाम रिजवान खान है। टिकटॉक बैन होते ही तुरंत रिजवान ने अपना रिच स्टार नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहां पर ब्लॉग और शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर दिया। आज के डेट में रिजवान के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स है और वो रील्स और वीडियोस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 5 टिकटॉक स्टार के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया। आप और किस टिकटॉक स्टार के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट चेक करके इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जरूर बनाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आगे भी इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।